वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डीएमएससी स्टूडेंट्स। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर किसके ऊपर आपका? टुडेज लेक्चर ऑन ब्लड सैंपल कलेक्शन, यानी ब्लड की सैंपल कलेक्शन। किस तरीके से सैंपल का, ब्लड का सैंपल अपन कलेक्ट करेंगे एक ह्यूमन पर्सन से। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार पीछे रिवाइज कर लेते हैं, जो किसके ऊपर था कि क्लिनिकल पैथोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन था, उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है डिस्कस करते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी इज मेडिकल स्पेशलिटी दैट इज कंसर्न विद द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड, यूरिन एंड टिश्यू हीमोजेनेट्स फॉर एक्सट्रैक्ट यूजिंग द टूल्स ऑफ केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हिमेटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है? क्लिनिकल पैथोलॉजी इज ए मेडिकल स्पेशलिटी दैट इज कंसर्न विद द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी मेडिकल लाइन की स्पेशल ब्रांच है, जिसके अंदर अपन किससे कंसर्न करते हैं, किससे डील करते हैं, एक डिजीज से डील करते हैं, यानी डिजीज को डायग्नोस करते हैं, उसका पता लगाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। और ये जो डायग्नोसिस है वो किसके ऊपर बेस होती है? ऑन द लेबोरेटरी एनालिसिस, यानी लैब के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन चलती है उसके ऊपर बेस होती है। ये जो एनालिसिस करते हैं अपन वो किसके करते हैं, यानी जो डायग्नोसिस है वो किस चीज पे करते हैं? तो बॉडी फ्लूइड से, एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर से कोई भी बॉडी फ्लूइड लेके उसकी इन्वेस्टिगेशन करके किसी डिजीज का पता लगाना। जैसे बॉडी फ्लूइड कैसा है, सच एज ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, या फिर टिश्यू हीमोजेनेट्स यानी टिश्यू हो गया, कोई बायोप्सी का सैंपल, और एक्सट्रैक्ट यूजिंग द टूल्स ऑफ केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हिमेटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। और इन्हीं की अलग अलग क्या टूल्स है ब्रांच क्लिनिकल पैथोलॉजी की, यानी ब्लड की अगर इन्वेस्टिगेशन करें तो हिमेटोलॉजी, यानी टिश्यू हीमोजेनोट्स की, टिश्यू हीमोजेनोट्स की अगर देखें अपन तो क्या हो गया, हिस्टोपैथोलॉजी, या फिर यूरिन के देखें तो केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी यानी जो छोटे बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे रिलेटेड, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में क्या आ गया, टिश्यू वगैरह आ गए। ये सारी क्या है क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर इन्वेस्टिगेशन है। और ये क्या है क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर अलग अलग ब्रांच है, जो केमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, हिमेटोलॉजी हो गया, या फिर मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी हो गया। इसके अंदर क्या है कि क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर चीज को डायग्नोज करना, उसका पता लगाना, किस चीज को एनालाइज करके, किस चीज को इन्वेस्टिगेट करके, ब्लड, यूरिन और टिश्यू को इन्वेस्टिगेट करके। नेक्स्ट लाइन में क्या है, पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज। पैथोलॉजी क्या है कि साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक स्टडी किस चीज की, डिजीज की यानी बीमारी की, यानी किसी बीमारी को रिसर्च करना, उसका पता लगाना, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके कोजेस क्या है, किस वजह से वो हुई है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं पैथोलॉजी। और उसको डिटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये डिजीज है, वो सारा किसमें कंसर्न होता है पैथोलॉजी के अंदर। और क्लिनिकल का मतलब क्या होता है, कोई लैब क्लिनिक। नेक्स्ट, क्लिनिकल पैथोलॉजी द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस बाय लेबोरेटरी एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ टिश्यू स्पेसिमेन, बायोप्सी, बॉडी फ्लूइड एंड अदर सैंपल। यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस, यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है, विज्ञान है, या फिर क्या प्रैक्टिस है, किससे रिलेटेड, डायग्नोसिस यानी मेडिकल लैब के अंदर किसी चीज का पता लगाने के, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। एंड एनालिसिस ऑफ टिश्यू स्पेसिमेन, और किसकी एनालिसिस करते हैं, किस चीज से अपन पता लगाते हैं डिजीज का, टिश्यू के स्पेसिमेन से जिसको बायोप्सी बोलते हैं, या फिर बॉडी फ्लूइड से, या फिर अदर कोई सैंपल से। अगर सैंपल में देखें तो ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, या फिर सीएसएफ हो गया, स्पूटम हो गया, यानी कम, इन सबसे भी अपन क्या डिजीज का पता लगा सकते हैं। अगर ब्लड से देखें एनीमिया, अगर अपन यूरिन से देखें तो किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर क्या है कफ से देखें यानी स्पूटम से रिलेटेड देखें ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन, वो सब क्या है अपन डिटेक्ट कर सकते हैं अदर अदर बॉडी फ्लूइड से, अदर सैंपल से।
क्या है? क्लिनिकल पैथोलॉजी इज द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज बाय एनालाइजिंग बॉडी फ्लूइड्स। क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है? स्टडी है, अध्ययन है किस चीज का? डायग्नोसिस ऑफ डिजीज यानी डिजीज का। और अपन अध्ययन किस चीज से करते हैं, किस चीज को एनालिसिस करके यानी किस चीज को इन्वेस्टिगेट करके अपन अध्ययन करते हैं डिजीज का? बॉडी फ्लूइड्स को, यानी बाय एनालाइजिंग बॉडी फ्लूइड्स। क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर अपन डिजीज की स्टडी करते हैं, किसको एनालिसिस करके? बॉडी फ्लूइड को। नेक्स्ट, क्लिनिकल पैथोलॉजी स्टडी फ्लूइड सच एज ब्लड एंड यूरिन टू डायग्नोसिस डिजीज। और क्लिनिकल जो पैथोलॉजिस्ट होता है यानी लैब टेक्नीशियन, वो किसको स्टडी करता है? बॉडी फ्लूइड को स्टडी करता है। ठीक है, जैसे फ्लूइड कौन सा हो गया, या ब्लड हो गया, जो यूरिन हो गया, उनको डायग्नोज करता है यानी किसी तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है, उनकी जांच पड़ताल करता है और डिजीज का पता लगाता है कि उसमें क्या डिजीज है। नेक्स्ट, द क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट मे बी मे चूज टू स्पेशलाइज इन वन टाइप ऑफ पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। यानी ए क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट मे चूज टू स्पेशलाइज इन वन टाइप ऑफ पैथोलॉजी। यानी जो क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट होता है, लैब टेक्नीशियन होता है, वो पैथोलॉजी की एक सब ब्रांच को सिलेक्ट कर सकता है। उसके पास चॉइस अवेलेबल होती है वो किस ब्रांच के अंदर काम करना चाहते हैं, किस ब्रांच के अंदर उसका इंटरेस्ट है। वो ब्रांच कौन सी है? केमिस्ट्री है, हेमेटोलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी है। नेक्स्ट, अनोदर क्लिनिकल पैथोलॉजी है अनोदर क्लिनिकल पैथोलॉजी स्पेशलिस्ट इज इन हेमेटोलॉजी। और अगर एग्जाम्पल लें, यानी कोई क्या है स्पेशलिस्ट है क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर, क्या हेमेटोलॉजी के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, हेमेटोलॉजी की ब्रांच उसने सिलेक्ट की है, हेमेटोलॉजी के अंदर वो क्या पढ़ेगा? इज क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट यानी वो क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट जिसने क्या रखता है कि हेमेटोलॉजी वर्क विद द ब्लड बैंक, यानी ब्लड बैंक के अंदर काम करेगा टू प्रोसेस ब्लड डोनेटेड सो दैट इट कैन बी यूज एंड टेस्टेड। यानी जो ब्लड डोनेट होता है ब्लड बैंक में, यानी ट्रांसफ्यूज होता है एक दूसरी जगह, उसके इन्वेस्टिगेशन करेगा कि वो ब्लड प्योर है, फिर उसके अंदर एल्कोहल के ट्रेसेस नहीं है, कोई अदर डिजीज नहीं है, एचआईवी नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं है, वो सबसे डील करेगा। और अगर ब्लड 100% प्योर अशुद्ध है यानी कोई भी एबनॉर्मल चीज नहीं है उसमें, तो क्या होगा? ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा। उसके अलावा क्या करेगा? एंड यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्लड रिलेटेड डिजीज, ब्लड से रिलेटेड डिजीज का भी पता लगाएगा हेमेटोलॉजी की ब्रांच के अंदर। तो ये क्या है? क्लिनिकल पैथोलॉजी। उसका पता लगाने के लिए, और इसी को क्या बोलते हैं इन द लैब, यानी लैब में।
स्कारलेट स्पेसिमेन यानी ऐसा सब्सटेंस जिसको कनेक्ट करके अपन किस चीज का पता लगा सके, डिजीज का, उसको क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं, स्पेसिमेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है स्पेसिमेन के, जैसे ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, जैसे स्पूटम हो गया, पस हो गया, ठीक है, ये क्या है, सैंपल स्पेसिमेन के एग्जाम्पल, यानी उनको कलेक्ट करके अपन किसी डिजीज का स्पेसिफिक पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सब डिविजन ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी, यानी क्या है, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अलग तो ब्रांचेज है, वो क्या क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अपन टिश्यू की स्कैनिंग करते हैं, साइटोपैथोलॉजी के अंदर ह्यूमन बॉडी से सेल्स का पता लगाते हैं कि सेल्स में क्या है, एबनॉर्मलिटी है, पैथोलॉजी के अंदर ब्लड से डील करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डील करते हैं, पैरासाइट या वायरस का, पैथोलॉजी के अंदर एंटी एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, केमिकल पैथोलॉजी के अंदर क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है उनसे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जेनेटिक्स के अंदर जीन से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी क्रोमोसोम से, और टॉक्सिकोलॉजी के अंदर क्या है, टॉक्सिक का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और फॉरेंसिक पैथोलॉजी का क्या मतलब है, कोई मर्डर से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, यानी उसकी डेथ किस वजह से हुई है, यानी वो क्या है, फॉरेंसिक पैथोलॉजी, यानी किसी का लॉजिक पता करना। नेक्स्ट क्या है, हीमेटोलॉजी, तो द कंप्लीट ब्लड काउंट इज ऑफ्टन यूज टू ए ब्रॉड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डिटरमाइन एन इंडिविजुअल जनरल हेल्थ स्टेटस, यानी क्या है कि सीबीसी जो है कंप्लीट ब्लड काउंट उसको यूज किया जाता है हीमेटोलॉजी के अंदर जनरल हेल्थ का स्टेटस चेक करने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी सीबीसी एक ऐसा पैरामीटर है हीमेटोलॉजी के अंदर जिसको कलेक्ट करके ब्लड का सैंपल कलेक्ट करके अगर अपन कंप्लीट ब्लड काउंट देखते हैं तो वो ह्यूमंस का जनरल हेल्थ स्टेटस शो करता है, और इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसको स्क्रीन फॉर वाइड रेंज ऑफ कंडीशन एंड डिजीज, यानी क्या है, बड़े तरीके से डिजीज के अंदर इसका पता लगा सकते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं सीबीसी के स्क्रीनिंग करके। नेक्स्ट, हेल्थ डायग्नोसिस इन वेरियस कंडीशन सच एज एनीमिया, इंफेक्शन, इन्फ्लामेशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर और ल्यूकेमिया, वो सीबीसी किस में हेल्प करती है, एनीमिया डिजीज को डिटेक्ट करने में, किसी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने में, इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट करने में, या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने में। नेक्स्ट, मॉनिटर द कंडीशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट आफ्टर डायग्नोसिस इज एस्टेब्लिश, यानी किसी डिजीज के बाद अपने को क्या, किसी अपने किसी डिजीज को डिटेक्ट कर लिया, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, ट्रीटमेंट के बाद उसकी कंडीशन को अपन चेक कर सकते हैं कि वो ट्रीटमेंट किस तरीके से उसको इफेक्ट कर रहा है, उसको मॉनिटर कर सकते हैं सीबीसी से। नेक्स्ट, मॉनिटर ट्रीटमेंट दैट इज नोन टू इफेक्ट ब्लड सेल सच एज कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, अपन किसी ट्रीटमेंट को भी मॉनिटर कर सकते हैं जो क्या है, ब्लड सेल्स को इफेक्ट करे, यानी वो कितना इफेक्ट कर सकता है, उसका एग्जाम्पल क्या है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, और इवेल्युएशन इन सीबीसी, यानी सीबीसी के अंदर किस किस चीज को अपन डिटेक्ट करते हैं, रेड ब्लड सेल को डिटेक्ट करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को डिटेक्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन परसेंटेज देखते हैं और प्लेटलेट काउंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, टॉपिक्स ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी, तो टॉपिक्स में क्या है, सैंपल कलेक्शन, माइक्रोस्कोप हो गया, एग्जामिनेशन और टॉपिक कौन से क्लिनिकल पैथोलॉजी में, तो सीमन एनालिसिस हो गया, सिकल सेल टेस्ट हो गया, एली सेल टेस्ट हो गया, रेटिकुलोसाइट काउंट हो गया, D6PD एस्टिमेशन हो गया, ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट हो गया, या फिर फिर भी हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, या फिर बोन मैरो एक्सपायरेशन, या क्वालिटी कंट्रोल या ऑटोमेशन, इन सभी की स्टडी किस में करेंगे, क्लिनिकल पैथोलॉजी में। आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है, सैंपल कलेक्शन के ऊपर, यानी कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का सैंपल किस तरीके से
करते हैं। हिमेटोलॉजी के अंदर मोस्टली क्या करेंगे, पैथोलॉजी के अंदर हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी के अंदर सबसे पहले किसकी इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले क्या कंपल्सरी है कि सैंपल कलेक्शन, ब्लड को ह्यूमन बॉडी से किस तरीके से कलेक्ट करना है। कलेक्शन ऑफ ब्लड में इंट्रोडक्शन देखिए कि टू ऑब्टेन ब्लड फॉर एनालिसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिसऑर्डर, ठीक है, अलग अलग डिजीज के लिए एनालाइज करना ब्लड को, डायग्नोसिस के लिए यानी डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं, यानी कि किसी चीज का एस्टिमेट करने के लिए ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ब्लड इज कलेक्टेड इन सम कंडीशन सच एज डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड वेरियस इंफेक्शन, यानी ब्लड इज कलेक्टेड इन सम कंडीशन, यानी ब्लड को क्या है पर कुछ कंडीशन में कलेक्ट करते हैं सच एज डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड, यानी या तो ब्लड से रिलेटेड किसी डिसऑर्डर में यानी ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज हो या फिर कोई एबनॉर्मलिटी हो तो क्या है ब्लड का सैंपल कलेक्ट करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि किस चीज में एबनॉर्मलिटी है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, या फिर क्या है कोई मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो, यानी कोई एंजाइम या फिर कोई एंजाइम कोई प्रॉब्लम हो या कोई एसिड के अंदर प्रॉब्लम हो तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए पर क्या है ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम। नेक्स्ट एंड वेरियस इन्फेक्शन, और कई प्रकार के इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए भी ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं, जैसे एलर्जी कंडीशन हुई तो ईओसिनोफिल बढ़ जाएगा या फिर कहीं इन्फ्लामेशन हुई तो न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ जाएंगे, उसी तरीके से क्या है उनको डिटेक्ट करने के लिए ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, मेजरमेंट एंड मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ ब्लड कंपोनेंट इन कंप्लीट ब्लड काउंट इंक्लूडिंग रेड ब्लड सेल वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट, यानी मेजरमेंट एंड मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ ब्लड कंपोनेंट, और ब्लड का सैंपल किस चीज के लिए कलेक्ट करते हैं सर कि मेजरमेंट करने के लिए कि ब्लड सेल्स नॉर्मली अवेलेबल है या नहीं है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और उनकी मॉर्फोलॉजी चेक करने के लिए कि जो ब्लड कंपोनेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनकी शेप एंड स्ट्रक्चर नॉर्मल है या नहीं है, और वो कंपोनेंट कौन से हैं यानी कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर क्या इंक्लूड करते हैं अपन रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट को। नेक्स्ट, एनालाइजिंग एंड क्वांटिफाइंग वेरियस बायोकेमिकल पैरामीटर इन द बॉडी लाइक ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड ब्लड गैसेज या ईटीसी, और ब्लड का सैंपल किस चीज के लिए कलेक्ट करते हैं यानी किसी चीज को एनालाइसिस करने के लिए, यानी पता लगाने के लिए कौन किस चीज का बायोकेमिकल पैरामीटर्स का पता लगाने के लिए, जो क्या है बॉडी के अंदर ब्लड शुगर हो गया कोलेस्ट्रॉल हो गया यूरिक एसिड हो गया या फिर गैसेज होगी उनका पता लगाने के लिए भी अपन ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं। शुरू से देखिए एक बार, टू ऑब्टेन ब्लड फॉर एनालिसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिसऑर्डर, यानी ब्लड को अपन कलेक्ट करते हैं किसी से रिलेटेड डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, उसको एनालिसिस करते हैं कि क्या डिजीज है। नेक्स्ट, ब्लड इज कलेक्टेड इन सम कंडीशन सच एज डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड, और ब्लड किस कंडीशन में कलेक्ट करते हैं ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर की कंडीशन में या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को इस कंडीशन में ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं या फिर अदर कोई कंडीशन हो। नेक्स्ट, मेजरमेंट एंड मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ ब्लड कंपोनेंट, या फिर ब्लड की नॉर्मल काउंट प्रेजेंट है या नहीं सेल के उनका मेजरमेंट करने के लिए या फिर ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी को चेक करने के लिए, और इसमें क्या चेक करते हैं सीबीसी के अंदर रेड ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड सेल या प्लेटलेट्स की इनके काउंट नॉर्मल है इनकी शेप एंड स्ट्रक्चर नॉर्मल है या नहीं है। नेक्स्ट, एनालाइजिंग एंड क्वांटिफाइंग वेरियस बायोकेमिकल पैरामीटर इन द बॉडी लाइक ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल यूरिक एसिड एंड ब्लड गैसेज, पर क्या है कि बायोकेमिकल पैरामीटर्स को एनालाइज करने के लिए उनका पता लगाने के लिए उनकी नॉर्मल वैल्यू चेक करने के लिए भी अपन क्या है ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हैं, जैसे ब्लड शुगर हो गया कोलेस्ट्रॉल हो गया या फिर यूरिक एसिड हो गया ब्लड गैसेज इनका पता लगाने के लिए भी ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कल्चर एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी ऑफ ब्लड इन केसेस ऑफ सेप्टिसीमिया, और सेप्टिसीमिया जैसी कोई कंडीशन हो ब्लड के अंदर उस कंडीशन में क्या है कल्चर वगैरह लगाने के लिए या फिर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी मतलब क्या है कि जो डिजीज है उसके ऊपर कौन सी मेडिसिन काम कर रही है
उसका पता लगाने के लिए भी क्या है, ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड डायग्नोसिस थ्री टाइप ऑफ ऑक्सीजन ब्लड स्पेसिमेन, यानी क्या है कि ब्लड का सैंपल क्या है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलेक्ट किया जाता है, यानी कितनी जरूरत है अपने को, और उसके अकॉर्डिंग क्या है तीन प्रकार से संख्या ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कौन सा है, कैपिलरी और पेरिफेरल ब्लड, यानी क्या है ब्लड कैपिलरी से अपन ब्लड का कलेक्ट करते हैं, यानी कि ड्रॉप्स को बूंद दें, यानी कुछ बूंद की आवश्यकता होता है कैपिलरी में। अगर अगर क्या है टूट यानी थाई पैनल में चाहिए तो क्या है वेन पंचर मेथड से वेन के पंचर करके वहां से भी ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा सिस्टम क्या है वैक्यूटेनस सिस्टम, जो किसका पार्ट है वेन पंचर सिस्टम का भी पार्ट है, लेकिन वो क्या है एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो शुरू से देखिए कि कल्चर या फिर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी चेक करने के लिए भी ब्लड का सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है, और ब्लड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लड सैंपल कलेक्शन के कितने पार्ट है तीन पार्ट है, एक तो कैपिलरी या पेरिफेरल ब्लड यानी जिसमें क्या है कुछ बूंदे ही ब्लड की रिक्वायरमेंट हो, दूसरा वेन पंक्चर यानी जिसमें क्या है ब्लड की रिक्वायरमेंट क्या है अमाउंट ज्यादा चाहिए, और तीसरा क्या है वैक्यूटेनस सिस्टम जो किसका पार्ट है वेन पंक्चर का ही पार्ट है, एडवांस सिस्टम है जो अभी टेक्निक काम में ली जा रही है। नेक्स्ट क्या है कैपिलरी और पेरिफेरल ब्लड कलेक्शन, यानी जो ब्लड के अंदर कैपिलरी प्रेजेंट होती है यानी वेन या फिर आर्टरी के अलावा बिल्कुल स्मॉल वेन्स प्रेजेंट होती हैं या आर्टरीज प्रेजेंट होती है जैसे हैंड्स के अंदर या फिर लेग्स के अंदर, उनको क्या बोलते हैं कैपिलरीज बोलते हैं, यानी जो हेयर लाइक जो वेन प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। तो वहां से अगर सैंपल कलेक्ट करना हो तो देखिए कैपिलरी ब्लड इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टिकिंग द टिप ऑफ फिंगर ईयर लोब फ्रॉम टॉय एंड इन द चिल्ड्रन इज ऑब्टेन फ्रॉम हील, देखिए कैपिलरीज ब्लड इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टिकिंग द टिप ऑफ फिंगर, जो कैपिलरी का जो ब्लड है वो अपन कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं यानी टिप ऑफ फिंगर जो आगे की टिप है फिंगर वहां से टिक करके यानी इंजेक्ट करके या फिर अदर कोई पोर्शन या फिर अदर कोई सब्सटेंस इंजेक्ट करके क्या है वहां से कलेक्ट कर सकते हैं फिंगर टिप से। ईयर लोब यानी कान की जो नीचे की पाली है जिसके अंदर कोई भी मसल्स या फिर जिसके अंदर बिल्कुल सॉफ्ट मसल प्रेजेंट है उसके ईयर लोब से जो क्या है ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी पाँव के अंगूठे से भी अपन क्या है ब्लड का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं पेरिफेरल के अंदर, और क्या है चिल्ड्रन के अंदर ब्लड जो कैपिलरीज ब्लड का सैंपल कलेक्शन है वो किससे किया जाता है हील से किया जाता है यानी एडी से किया जाता है, क्योंकि चिल्ड्रंस की एडी जो है हील है वो क्या होती है बिल्कुल सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट, मोस्टली कैपिलरी ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द फिंगर टिप, और ज्यादातर जो कैपिलरी के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है वो किससे कलेक्ट किया जाता है फिंगर टिप से यानी फिंगर की आगे की टिप से। नेक्स्ट, बहुत कैपिलरी ब्लड कलेक्शन इज रिक्वायर्ड स्टेराइल लैंड से और क्या है 95% अल्कोहल एंड कॉटन थ्रेड, यानी क्या है पोर कलेक्शन या पोर कैपिलरी ब्लड कलेक्शन कैपिलरीज से ब्लड कलेक्शन के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है स्टेराइल लैंड से एक नीडल की स्टेराइल का मतलब है जिसके ऊपर कोई बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट नहीं है, और क्या चाहिए अपने को 95% अल्कोहल या ब्रिक ह्यूमन बॉडी का स्टेराइलाइजेशन क्लियर करने के लिए कोई बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट नहीं है कॉटन थ्रेड। नेक्स्ट क्या है प्रोसीजर, यानी कैसे तरीके से अपन कैपिलरीज का ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए द साइट ऑफ पंचर शुड नॉट बी कोल्ड, यानी जिस तरह से भी आप कलेक्ट करोगे ब्लड का सैंपल कैपिलरीज ब्लड वो क्या है कोल्ड रेंज की ठंडी नहीं होनी चाहिए, चाहे ईयर लोब से करो चाहे फिंगर टिप से करो या टॉय से करो। नेक्स्ट, इफ पंचर साइट यानी फिंगर टिप इज कोल्ड देन डू वार्म बाय मसाजिंग या रबिंग, यानी अगर क्या है पंचर की जो साइट है यानी जहाँ से सैंपल वो
क्या है कोल्ड करंट फ्री है, उसको क्या कहेंगे वार्म करंट, यानी उसके ऊपर रबिंग करके उसको इसके थोड़ा सा, यानी उसके ऊपर मसाजिंग करके क्या है उसको वार्म कर लेंगे। नेक्स्ट, गर्म करने के बाद क्या करना है, डिस इनफेक्ट द साइट ऑफ पंचर विद द स्प्रे कॉटन सिरप, यानी क्या है डिस इनफेक्ट द साइट ऑफ पंचर, यानी जिस जगह पे आपको पंचर करना है, यानी कि ये जो फिंगर टिप है, यानी जो नेल के पास जो क्या है सॉफ्ट प्लेस होता है, फिर उसको बोलते हैं फिंगर टिप, उसको क्या है जहाँ पे आप पंचर करोगे उसको क्लियर करना है किस चीज की हेल्प से, कॉटन स्वैब की हेल्प से, यानी जिसके अंदर क्या है कॉटन के अंदर क्या होना चाहिए प्रिंट होना चाहिए। नेक्स्ट, इन कैटेगरी ब्लड कलेक्शन मेथड नॉन डोमिनेटेड हैंड थर्ड या फोर्थ फिंगर इज यूज फॉर कलेक्शन, यानी और कैपिलरी ब्लड कनेक्शन में कौन से हैंड की फिंगर यूज होती है, तो नॉन डोमिनेटेड हैंड की थर्ड या फोर्थ फिंगर मोस्टली यूज होती है ब्लड कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट, आफ्टर टेनिंग दिस इनफेक्ट साइट फिक्स द लेंथ नीडल एट पंचर साइट, और आपने क्या है जैसे ही कैंडी से इन्फेक्ट कर दिया उस साइट को जहाँ पे आपने क्या है जहाँ पे ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, फिर क्या करना है वहां पे लेंथ सेट नीडल से पंचर कर देना, यानी लेंथ सेट नीडल इंजेक्ट करवा देना। नीडल इज प्रिक इन फिंगर टिप हाफ सेंटीमीटर फ्रॉम नेल, और जो नीडल आप पंचर करवा रहे हो प्रिक कर रहे हो यानी फिंगर टिप में, वो नेल से कितनी दूर होनी चाहिए हाफ सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए, और प्रिक अबाउट 3 mm डीप इन फिंगर, और फिंगर के अंदर कितनी डीप होनी चाहिए गहरी होनी चाहिए 3 mm तक क्या जानी चाहिए नीडल जानी चाहिए। देखिए कितने देर तक आप पंचर करना चाह रहे हो ताकि क्या नहीं होनी कोल्ड नहीं होनी चाहिए, दूसरा अगर वो कोल्ड है यानी उस तरह से करोगे उसको रबिंग करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे साइट को डिसइंफेक्ट करोगे स्प्रिट से, अगर कोई जो बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है उस जगह पे वो क्या ह्यूमन बॉडी में ना चला जाए, और मोस्टली ब्लड सैंपल कहाँ से कलेक्ट करते हैं नॉन डोमिनेट हैंड की थर्ड और फोर्थ फिंगर से। नेक्स्ट, डिसइंफेक्शन के बाद में उसमें क्या इंजेक्ट करवा दोगे लेंथ सेट नीडल इंजेक्ट करवाओगे, जो लेंथ से कितनी दूर होनी चाहिए हाफ सेंटीमीटर, और नीडल कितनी इंजेक्ट होनी चाहिए गहरी कितनी होनी चाहिए 3 mm डीप होनी चाहिए फिंगर के अंदर। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर प्रिक वाइप ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड यूज द सेकंड ड्रॉप ऑफ इन्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन, प्रिक के बाद आपने क्या नीडल लेंथ से नीडल ने वो अलग कर दी, तो अलग करने के बाद क्या है आफ्टर प्रिक यानी प्रिक के बाद में वाइप ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, यानी जो फर्स्ट ब्लड की फर्स्ट ड्रॉप है उसको क्या कर दोगे डिस्कार्ड कर दोगे, और सेकेंड ड्रॉप को क्या करोगे यूज करो किस चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। नेक्स्ट, आफ्टर ऑब्टेनिंग सफिशियंट ब्लड अप्लाई ए जेंटली कॉटन स्वैब ऑन पंचर साइट, और जैसे ही आप सफिशियंट ब्लड कलेक्ट कर लोगे जैसे यानी जितने ड्रॉप आपको चाहिए वो कलेक्ट कर लोगे, फिर क्या अप्लाई कर दो पंचर की साइट पे कॉटन स्वैब जिससे क्या ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। दिस मेथड यूज व्हेन द अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड ओनली 5 ड्रॉप, पर जो कैपिलरीज व्हेन कैपिलरीज पंचर मेथड है वो कब काम में लेते हैं अपन जब आपको क्या है कुछ ड्रॉप ब्लड की जरूरत और रिक्वायरमेंट हो, हीमोग्लोबिन एक्टिवेशन के लिए या फिर एबी ब्लड ग्रुपिंग के लिए या पीबीएस के लिए यानी पेरिफेरल ब्लड फिल्म के लिए। नेक्स्ट क्या है, एक डायग्राम है जिसके अंदर आप देख रहे हो क्या है फिंगर टिप जो है यानी जो ऊपर की तरफ टिप है उसके अंदर क्या इंजेक्ट करवा रखिए लेंथ सेंटीमीटर प्रिक करवा रखी है, जहां से क्या है ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं आपको ब्लड की ड्रॉप इसलिए प्रिक करवा रखे नेल से हाफ सेंटीमीटर दूर दिख रही है आपको, और क्या है कि प्रिक कितनी है 3 mm के समथिंग प्रिक होगी जाएगी। नेक्स्ट, अगर और अपन यूज करते हैं प्रिक करने के बाद तो क्या है जिस जगह पे आपने प्रिक किया है वहां से क्या अगर क्या है बीटीसीटी करना है यानी ब्लीडिंग टाइम प्रोटीन टाइम, तो ब्लड को वेन के अंदर ले लेते हैं, या फिर क्या आपको पेरिफेरल ब्लड के लिए या एबीआर ग्रुपिंग के लिए काम लेना हो तो ब्लड ड्रॉप्स को किसके ऊपर ले लेते हैं क्लाइड के ऊपर ले लेते हैं जिससे उनके काम में लिया जा सके। नेक्स्ट क्या है, एक डायग्राम है जिसके अंदर क्या है कि चिल्ड्रन के अंदर क्या की जा रही है ब्लीडिंग की जा रही है यानी चिल्ड्रन के अंदर क्या क्या ब्लड कलेक्ट किया गया है, तो उसके अंदर देख रहे हो आप लेडी जो है हील के अंदर क्या है प्रिक किया गया है जहां से क्या ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा वेन से क्या है ब्लड कलेक्ट किस तरीके से किया करेंगे। थैंक्स टू ऑल।